श्री महेंद्र मोदी स्पेशल डीजी उत्तर प्रदेश, जो जल गुरु के नाम पर भी पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। श्री जितेंद्र त्यागी एमडी उत्तराखंड मेट्रो, श्री अमित शर्मा स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, डॉक्टर मनु जैन जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ उत्तराखंड, श्री शिव अनंत तायल मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर स्मार्ट सिटी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इलिट्स के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर गुप्ता और इलिट्स मैगजीन के एडिटर अर्पित गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं उनके इलिट्स मैगजीन के विमोचन के लिए। ई गवर्नेंस का यह विशेषांक आज छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। इस अंक में माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार की उत्कृष्ट सोच को प्रतिबिंबित किया गया है। एशिया और मिडिल ईस्ट पर गवर्नेंस को प्रतिष्ठित करने वाली यह बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है। अब मैं सादर उद्बोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मंच में उपस्थित आदरणीय महापौर श्री प्रमोद दुबे जी, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ ट्यूनिशिया, कौंसल जनरल अली मफ्ताही जी, कौंसुलेट जनरल ऑफ जर्मनी डॉक्टर जर्गन मोरहार्ड जी, विशेष सचिव श्रीमती अलरमेल मंगईडी जी, सीईओ इलेट्स टेक्नोमीडिया डॉक्टर रवि गुप्ता जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और सभी हमारे अन्य प्रदेश से आए हुए सभी अतिथिगण और पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं नगर निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा इलेट्स टेक्नोमीडिया को साधुवाद देता हूँ कि आपने यह आयोजन किया और इसके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। यह आयोजन रायपुर में हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें रायपुर से शुरू होकर रायपुर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब बात निकली है तो दूर तक जाए। राजधानी होने के कारण रायपुर छत्तीसगढ़ का चेहरा है, यह अलग बात है। इस चेहरे के आधी रौनक जल्दीबाजी में 30 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है, वरना छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 18 सालों में तो रायपुर के चेहरे की दमक ही कुछ और होती। कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं कहना चाहता हूं कि हमें जितना प्यार खेत खार से है उतने ही अपने शहर और बाजार से भी है। अगर हमें सुधार करना है तो हमें यह मानना पड़ेगा, विगत 18 वर्षों में छत्तीसगढ़ के शहरों की पहचान बजबजाती नालियां, बदबू फैलाते मुक्कड़ों, टूटी फूटी सड़कें, बेतरतीब बाजारों, बर्बाद ट्रैफिक व्यवस्था, गुमशुदा नागरिकों की सुविधा होने लगी है।
हमारे नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के साथ त्रिस्तरीय नगरी निकायों को भी स्वायत्तता दी थी, पूरे अधिकार दिए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में अधिकारों को लगातार छीनने का ही काम हुआ है। आदरणीय साथियों, मैं अधिकारों की बात में ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ काम करने का आवश्यकता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा। गांधी जयंती के एक दिन पहले 5 स्टार होटल के सामने झाड़ू लेकर फोटो छपवा देने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक रूप से काम करने की आवश्यकता है। इनोवेशन का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं है, बल्कि ऐसा बदलाव है जो बेहतर करने के लिए। आज हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि हमारे मोहल्ले के गंदे पानी आखिर हमारे तालाबों में क्यों जाते हैं, और यदि नाली बना है तो बहता क्यों नहीं है। हमारी जितनी गंदगी है हमारे नदियों में ही क्यों जाते हैं, उसको रोकने के ठोस उपाय क्या है। हमारे घर में जो नल की टूटियां लगी है उसमें शुद्ध जल क्यों नहीं जाता है। हमारे गली मोहल्ले साफ क्यों नहीं होते। जब तक के इनमें ठोस काम नहीं होगा तब तक के बात नहीं बनेगी। आज महापौर जी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम में मध्य भारत में सबसे अच्छा काम वो करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, हमारी नालियाँ कचरा फेंकने के नहीं है, हमारे घर से निकले हुए चाहे बर्तन धोने का पानी है, चाहे नहाने के पानी है, वो बहने के लिए है। वो क्यों कैसे बहे, वो जाम ना रहे, बरसात के पानी सड़कों पे ना बहे, इस दिशा में हम लोगों को सोचने के और काम करने की आवश्यकता है। आप हमें ऐसे तकनीक बताइए जिसे हमारी शहर की हवा शुद्ध हो और सांस की बीमारी से हमारे प्रदेश को निजात मिले। आप हमें ऐसी तकनीक बताइए जिसे हमारे शहरों का विकास भी हो और प्रदूषण भी ना फैले। आप हमें ऐसी तकनीक बताइए कि शहरों में मच्छरों का प्रकोप न हो और डेंगू से लोगों की मौत ना हो। हमें ऐसे स्मार्ट सिटी चाहिए जहां जनता अपनी आधी जिंदगी सड़कों पर न गुजारना पड़े। ये कुछ सवाल हैं जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा। संधारण के भी कार्य और नए निर्माण के कार्य। आज कॉलोनियां बस जाती है, लेकिन कॉलोनी बसाने के पहले हम लोग नहीं देखते उसकी ड्रेनेज किस प्रकार से हो। नाली तो बन जाती है, लेकिन विभिन्न नालियों को जोड़ के जो बड़ी नाली बनती है वो ऊपर होता है और छोटी नाली नीचे होता है, तो पानी वहीं रुक जाता है, वहीं जाम हो जाता है। ये जो डिज़ाइन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बड़ी खामी दिखती है, और इसके लिए एक प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग हो, उस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आदरणीय साथियों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि हम सब मिल के जहाँ पॉलीथीन के खिलाफ केवल अभियान ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि कचरा जहाँ तहाँ हम नहीं फेंकेंगे। हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमारे घर के सामने जो नाली है वो साफ रहे,
हमारे घर के सामने जो सड़क है वो साफ रहे, हमारे घर के सामने जो पेड़ पौधे लगे हैं उसमें पानी और खाद की व्यवस्था हो। जब तक कि इस प्रकार से हम आम नागरिक को जोड़ने का काम नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। इसलिए ये अभियान, ये इनोवेशन व दिल और दिमाग के साथ भावनाओं से जुड़ना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी और इलिट्स टेक्नोमीडिया को पुनः बधाई देता हूं कि आपने रायपुर में आयोजन करके देश और दुनिया के विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धता हासिल की, शोहरत हासिल की, उनको यहाँ लाकर परिचर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और हमारे शहरों को सुंदर कैसे बने, आम लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, इसके लिए कार्यशाला आपने आयोजित किया। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।